हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सॉल्यूशन इज योर चैनल एंड फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बिटकॉइन के बारे में। यानी आप सभी को मालूम ही होगा कि बिटकॉइन 2-3 महीने पूर्व ही मालूम होगा कि आपको ये स्कैम होने वाला है, और फिर आज देख सकते हो कि बिटकॉइन एक टोटली स्कैम हो चुका है। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म क्लोज कर दिया है। सो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा का पूरा डाउन है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका एंड चाइना न्यूज। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जो कि है वो है बिटकॉइन के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो 88% डाउन है, जो कि कुछ दिन पहले हमें 300 या $350 पे दिखाई दे रहा था, वो अभी दिखाई दे रहा है $29 ओनली। सो यहाँ पे जो बिटकॉइन का अगर आप देखें तो 3 मंथ्स पहले का, या फिर चलो ऑली देखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा $400 तक चला गया था, कि इसका इतना ज़्यादा क्रेज हो चुका था, और फिर अभी फिलहाल तो पूरा का पूरा डाउन हो गया। और फिर यहाँ पे देख सकते हो जो कि कुछ दिन पहले $1 भी नहीं था जनवरी में, और फिर ऐसे सब एक साल तक चला, ये दो साल तक भी आप कह सकते हो पूरा। सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा वॉलेट है, मैंने तो इसमें एक भी पैसा नहीं लगाया था, मैंने एक भी बिटकॉइन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया था, और फिर मैंने लेंडिंग वॉलेट में इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्लोज कर दिया, और फिर उन्होंने कुछ रीजन्स भी बताए हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्सास स्टेट में उनका सबसे पहला जो कॉइन था वो बंद कर दिया गया, और फिर यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम पे DDoS यानी कि डॉस अटैक हुआ है, और फिर ऐसे बहुत सारे रीजंस उन्होंने बता दिए कि हम लोग अपना बिटकॉइन जो प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वो क्लोज क्यों करें। लेकिन इन्होंने ये अभी ये बोल भी ऐसे रहे कि हम लोग अपना सारा पैसा रिटर्न आपको दे देंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये आपको पैसा, लेकिन देख सकते हो बिटकॉइन अभी फिलहाल $29 पे। अगर आपके पास एक बिटकॉइन होगा तो आपको मिल रहा है $29 ओनली, और ये 2 दिनों में ये $20 से $50 तक आ जाएगा, तो फिर इसका कुछ मतलब ही नहीं होता है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो कि और फिर ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन एक ICO जो भी अभी 1 हफ्ते से जो चल रहा है, सो इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, ये भी अच्छा कॉइन है। और फिर इसका आपको प्राइस नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूँ, ये $50 का है, 1 बिटकॉइन ICO $50 का है। सो बहुत सारे लोग उन्होंने वो ICO भी बाय कर ले, वो भी ऐसा ही होगा, वो भी एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ये एक साल तक चलेगा और फिर ये शटर क्लोज हो जाएगा फिर से। तो ये सब चलता ही रहता है लेंडिंग प्लेटफॉर्म में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बिटकॉइन की एक वीडियो दिखा दूँ, देख सकते हो आप, ये 6 नवंबर की है, और फिर आज है 17 जनवरी, यानी कि 2 महीने पूर्व की, 2 महीने पहले की। सो यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन पार्टी। और फिर फ्रेंड्स, इस इवेंट में तो आपको सभी को मालूम था कि कार बांटी गई थी, और फिर ये सब वो जो भी जिन्होंने भी रेफरल ज़्यादा बनाए थे इसका, और फिर ये लोग ये भी बोल रहे थे कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेके आएंगे, और सब ये, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया था। मैंने तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, और तब भी मैंने लॉगिन किया था, मैंने रजिस्टर किया था, लेकिन मुझे पता, लेकिन सभी को मालूम था, ये कोई नई बात नहीं है कि ये स्कैम होने वाला है, तो मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल तो ये ऐसा, मैं बता दूं कि कौन ऐसे पार्टी करता है। आपने कभी देखा है कि अभी देखो, मान लो कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, नियो कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, यानी कि आप देख सकते हो अभी अच्छा कॉइन इथेरियम क्लासिक, यानी कि वाइट बॉल कॉइन हो गया, ये इतने सक्सेसफुल ICO है, ये इन्होंने सब कभी पार्टी की है, आप देख भी नहीं सकते हो कि इनका कोई इवेंट हुआ है, इनके कभी कार बांटी गई है, और फिर ये सब कभी हुआ ही नहीं, और ये लोग करते भी नहीं है इनका। ये सब कौन करते हैं, जो लोग स्कैम होने वाले हैं, जो लोग बता रहे कि हम लोग सक्सेसफुल है और हमारी कंपनी और भी सक्सेसफुल होने वाली है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये सब तभी होता है, और फिर तभी जो लोग ज़्यादा क्रेज होते हैं इसके बारे में, और फिर लोग इन्वेस्ट करते हैं। और फिर अभी देख सकते हो इंडिया में भी बहुत सारे कॉइन्स है, जो कि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कि हो गया 1 कॉइन, और फिर और ऐसे 3 कॉइन्स है जो कि मुझे मालूम है, पूरा का पूरा उनका मालूम है।
और फिर ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आए और फिर अभी भी चल रहे, कुछ तो स्कैम हो गए। और फिर ये लोग बता रहे कि ये कुछ कॉइन्स नहीं है, ये सब MLM कॉइन्स है जो कि इंडिया में चलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इनमें, मैंने देखा है, 1-1, 2-2 लाख लगाए हुआ, और फिर सारा का सारा उनका अभी उनको विड्रॉल करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो फ्रेंड्स, ऐसे होता है, वो लोगों ने पार्टी भी की है, उन्होंने इवेंट भी रखा है, उन्होंने कार भी बांटी है। सो ये स्कैम होता है, पूरे का पूरा टोटली स्कैम। और फिर आने वाले दिनों में ये सारे बंद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी ऐसे लेंडिंग प्लेटफॉर्म या फिर MLM प्लान्स में प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए। अभी आपको मालूम ही होगा कि बिटकॉइन अभी $15, 10, 10 हंड्रेड, 10,000 डॉलर में है, तो फिर आप बिटकॉइन बाय कर लीजिए, इथेरियम बाय कर लीजिए 1,000 डॉलर में, 1,200 डॉलर में तब भी, या फिर नियो बाय कर लीजिए, इथेरियम क्लासिक, सिया कॉइन या फिर बाइट बॉल, ये सब जो भी अच्छे कॉइन्स है टॉप के, वो आप बाय कर लीजिए। इनमें फालतू का पैसा मत लगाइए। बिट कनेक्ट, ये सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 5,000 लगा लो, 2 महीने में आप 2 लाख निकाल सकते हो। ऐसा बेसिक होता भी है, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉइन जितना कि सक्सेसफुल कॉइन है सब अभी तक का ICO का 2017 और 18 का भी बोल सकते हो। सो मैंने तो सिर्फ आपको एक ही ICO बताया था कि इलेक्ट्रॉनियम, जो कि अभी आप देख सकते हो जिन्होंने भी 5,000 इन्वेस्ट किया होगा। सो आज उनका 2 लाख, आज वो आराम से 2 लाख भी नहीं, 1.5 लाख से ऊपर वो आज निकाल सकते हैं, जिन्होंने भी 5,000 इन्वेस्ट किया था 2 मंथ्स पहले। सो मैंने आपको एक ही ICO क्यों बताया, अभी तक बहुत सारे ऐसे ICO आके गए। मैं बता दूं कि इतर कैश हो गया, फिर टोकन पे हो गया, और फिर टी कॉइन हो गया, फिर डेकॉर्ड हो गया। डेकॉर्ड भी एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी 5-6 महीने और चलेगा और फिर ये क्लोज हो जाएगा। डेकॉर्ड 100% श्योर है। और फिर अभी की बात करो 2018 का जो डिजिटेक्स है, और फिर टाइटन है, इनका तो क्रेज इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते, लोग टूट पड़े हैं सब लोग। लेकिन फ्रेंड्स, ये बता दूं कि ये आप इथेरियम दे रहे हो और फिर डिजिटेक्स ले रहे हो, कितना सही है ये। सो आप सोच सकते हो आप अपने इथेरियम दे रहे हो, तो ये कुछ बातें समझनी चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने आज तक एक ही ICO इलेक्ट्रॉनियम का मैंने सबसे पहले देख लिया होगा कि मैंने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉनियम की टीम, जो कि रिचर्ड हिल से, जो कि पहले एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो है ही। सो इनको बिजनेस का पूरा अच्छी तरीके से नॉलेज है, कैसे रन करना है और फिर कैसे हाइप क्रिएट करनी है मार्केट में, जो कि इन्होंने सबसे पहले मार्केट में हाइप क्रिएट की। और फिर ऐसा ही देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनियम कॉइन 1 या 2 डॉलर चला जाएगा 2018 के अंदर, तो फिर आप देख सकते हो कि जिन्होंने भी ICO में पार्ट लिया उनका पैसा कितना। सो फ्रेंड्स, इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ किसी भी ऐसे लेंडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल भी MLM प्लान्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, आपका पैसा जाएगा, मतलब जाएगा ही, बहुत कम चांसेस है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। इससे अच्छा आप इथेरियम बाय कर लो, जितना भी महंगा है बिटकॉइन बाय कर लो, बाइट बॉल बाय कर लो, या फिर नियो कॉइन बाय कर लो, ये सब अच्छी टेक्नोलॉजी, इथेरियम क्लासिक, इसमें आप अभी भी टाइम नहीं गया है, आप आज भी बाय कर ले तो आपको प्रॉफिट होगा ही। और आज देख सकते हो, आज तो पूरा मार्केट रेड है, सभी को पता है कि आज पूरा मार्केट रेड है। सो आप अच्छा चांस हो सकता है, सिया कॉइन बाय कर लो, ये सब कॉइन्स बाय कर लो, तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। उनकी टेक्नोलॉजी देखो, टेक्नोलॉजी देख के कोई भी कॉइन बाय कर लो, ना कि कॉइन की प्राइस देख के कभी कॉइन कोई बाय करना चाहिए। जिनको भी कॉइन्स की आज मान लो 2 डॉलर है, कल 4 डॉलर हो जाएंगी, परसों 6 डॉलर हो जाएंगी, और फिर ये कॉइन बाद में 1 डॉलर पे आ जाता है 3-4 दिनों के बाद। फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कभी भी किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, लेंडिंग प्लेटफॉर्म में मत कीजिएगा। आप देख सकते हो यहाँ, और फिर यहाँ पे देख सकते हो, मुझे भी रिक्वेस्ट आती है कि ये ICO के बारे में हमारे बता दो यूट्यूब पे, और वो तो यहाँ पे देख सकते हो, ना ही मेरे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर, ये देख सकते हो मेरे ना ही 1,000 के भी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, और फिर चैनल पे व्यूज़ भी 40 या 50,000 के बीच में है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जिन भी लोगों के 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 50,000 है, या फिर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उनको तो कितने सारे मैसेज आते होंगे कि हमारा ICO बता दो लोगों को, ये वो, और फिर उनको पैसा तो कितना मिलता होगा आप सोच सकते हो। उनको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, वो सिर्फ मार्केट हाइप क्रिएट करते हैं और फिर उनको तो पैसा मिलता है, सब यूट्यूबर्स को, ये तो आप सभी को मालूम है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपनी खुद की स्टडी कीजिए और फिर ही आप किसी भी कॉइन में बाय कर लीजिएगा, अभी बहुत सारे स्कैम्स हो ही रहे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सॉल्यूशन निंजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जो भी कुछ क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन।